भाइयों बहनों, शिमी तुझ में क्या कमी थी जो चोमू ने तुझे छोड़ के बीटा को चुन लिया? क्या बात है, यहाँ पे खड़ा होके वेट करता रहेगा बीटा को। गाइस, इस घर की हालत देखे नहीं, मैंने वो बाल्टी रखी है, पानी आ रहा है। इट्स नॉर्मल यार, बहुत लोगों के घर पानी आता है। नहीं आता किसी के घर। अरे बाई गॉड, बहुत लोगों के घर आता है। आता होता है ना, फिर हाँ, फिर वही ना, नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। पहले तो आप ही इशू है, इट्स नॉर्मल यार, नॉर्मल। हमारे पास घर है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। है नहीं, थैंक यू, यूर वेलकम, भगवान का थैंक यू। इससे पहले चोमू आ जाए, फटाफट चोमू का सारा खाना खा के भाग जाती हूँ, सॉरी भाग जाता हूँ। अरे जल्दी करो, चोमू आ जाएगा। चोमू आना, हे राम, भागो। तो आज हमें संकल्प का पांचवा दिन, संकल्प हो गया। अब दिन का खाना खाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी जिम, तो आपको जिम आउटफिट में मिलती हूँ। तो मैं जा रही हूँ जिम, आज है बैक और बाई। तो हाँ, कुछ कहना है भाइयों बहनों? इग्नोर हिम, मम्मा जा रही हूँ। इसने देखा मैं जूते पहन रही हूँ और वहाँ जाके बैठ गया। ओए लांटू, आपको नहीं ले जा सकते ना जिम। लड़की, इसको घुमा के ला, जा घुमा के ला उसको। हे दी, सिफारिश कर दी मेरी? हाँ कर दिया। चलो अच्छा है, मैं आगे आगे जाता हूँ, पीछे पीछे ठीक है? आज बैग और भाई मारेंगे, चलो चलिए, लेट हो रहे। आ रही हो ना, चल। इसके बिना ले जाओ तो राघव भैया, बेटा को मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ फिर। हैं, आजकल जो हूँ बेटा के पीछे है, मतलब सीधे चीमी को छोड़ के चीमी की मासी के ऊपर लाइन मारता है आजकल। मतलब इतना अश्लील लड़का हो गया, मतलब मैं पीछे एक रोज दुकान से 2 रुपए का बबलगम लेती हूँ। 2 रुपए क्या पेटीएम कर रहा है, मैंने बोला जब 10 रुपए हो जाएंगे तो मैं आपको 10 रुपए एक साथ दूंगी। तो भैया हंसने लगे, ऐसे सुनाने वाला कुछ था नहीं, पर सुनाने के लिए कुछ आया भी नहीं। मेरे हाथ में मिट्टी लगानी पड़ती है, मेरे हाथों में बहुत पसीना आता है, मशीन छूट जाती है। क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, ये रेस्ट। तो आप एक्सरसाइजिंग करते तो करो ना, ये एक्सरसाइज के बीच में टोला देख, ज्यादा नहीं बोलना। अभी आपको कितनी देर होगी करते हुए? 20-25 दिन। मीट माय जिम पार्टनर, से हाय। हेलो गाइस, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये खुद करते हैं। मैं बस बताता हूँ, थोड़ा सिखाना गई है बाकी। ये तो बड़ा पन्ना तेरा, ये तो तेरा बड़ा पन्ना। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को कोई शौक नहीं है बड़ा बनने का। हम कुछ नहीं सिखा रहे किसी को, सबकी अपनी मेहनत है, वो खुद कर रहे हैं। ट्राइसेप बनाने का नया तरीका, चलो सही एक्सरसाइज करो। आप क्या, आपका व्रत है तो ये आपके मुंह में क्या है? बबलगम। हाँ तो व्रत में कौन सा बबलगम होता है? अच्छा व्रत वाला बबलगम। चलो 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 उठो, चल चल चल, चलो आप वन मोर, गुड गुड। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम फेलियर। वो बड़ा है वो। ओ, क्या बात है, जब भी मैं ये करती हूँ तो याद से बोलता है कोई छोटा बच्चा डंबल लेके भाग रहा है। ये देखो छोटा बच्चा हमारी जिम का। पहले मेरे को बताओ ये जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसका नाम क्या है? ये हमारी बाजू में थोड़ी स्टेबिलिटी रहे वर्कआउट करते टाइम, उसके लिए। अच्छा ठीक, बाय बाय। ये बंदा जो बदतमीज है ना, कभी अगर मेरे को इंजरी हुई ना इसकी वजह से होगी, वर्कआउट करते टाइम नहीं हंसा।
चलो चलो फिर से लो। यार क्या करते थे, बंद कर वीडियो, बंद कर, बंद कर, देखो कर रहे रगड़ हो गया। मैं जा रही हूँ घर, आ गई हूँ घर, बहुत लगी है भूख। और राघव को बोल रही हूँ चाय बना के दे दे, क्योंकि घर पे कोई नहीं और वो नहीं मान रहा। कितना बदतमीज इंसान, अगर वो मुझे बोलेगा कि चाय बना के दो तो मैं उसको नहीं बना के दूंगी। हाँ नहीं बना के दूंगी, पर उसको तो मेरे को बना के देनी चाहिए ना, है कि नहीं, है कि नहीं, बना के तो देनी चाहिए। वैसे क्या बात कर रहे थे आप, बार चीमी और बेटा से सब सुना मैंने। बस दीदी बस, बहुत हो गया आपका। ठीक है यार, तेरा एक बहुत हो गया, चल बना के दे जा। कैमरा आ गया, कैमरे के आगे तो मना नहीं कर सकता ना। ये देखें कैसा घटिया इंसान है ये, अपनी बहन जो जिम जाती है, इतनी मेहनत करके आई है, मेरी सेवा करके आया हूँ मंदिर। कुत्तिया वेट तो मैंने उठाया ना, जा चाय साथ में तीन ब्रेड दे दे, ठीक है, बाकी स्पून लेके आना, बाकी मेरे पास है सामान। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, शुक्र है मैं कुत्ता हूँ। भाई हो तो राघव जैसा, और इसको मैंने संघर्ष करते हुए देखा था बाहर। राघव एक जरूरी सूचना लेके आया है, बताना। ये जो बड़ी चींटी है ना, इसका पैर किसी छोटी चींटी ने अपने मुंह से पकड़ लिया था, तो इसी ने किसी तरह से फोर्स लगाई और उस छोटी चींटी का सर कलम हो गया। ओहो मतलब वो मर चुकी है। हाँ वो तो मर चुकी है, बट उसका पैर इधर रह गया, अब ये चल चल के थक चुकी है। इतना हैवी वेट थोड़ी उठाना है, फिर ये तो होता है हैवी वेट के लिए, ताकि हमारी रिस्ट जो है वो। मेरे को क्या पता, बताना था ना मेरे को, जो दिखा मैंने वो मंगवा दिया। क्यों मंगाया, किससे पूछ के मंगाया यार, मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितना वेट आपकी रिस्ट बेयर नहीं ना कर सकती, उससे ज्यादा आप उठा सकोगे। अब ठीक है ना, उठा लूंगी। उतना वेट थोड़ी उठाना है, हम कोई पावर लिफ्टर थोड़ी, पावर लिफ्टर बन जाऊंगी, अभी आ गया तो उठा लेंगे। तो राघव मेरे को पहनना सिखा रहा है, कैसे पहनना है। पहनना सीरियस हो गई, प्रोटेक्ट हमारी, ठीक है, अब जितना मर्जी वेट। ठीक है अब बिल्ड ले, बिल्ड ले, देखते 3 2 1 गो भाई, जान लगा ना। अच्छा क्या बात है, लगा लगा जान लगा, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जान है राघव, बहुत जान है, फुल जान लगा। हाथ बोल लिया बेटे, याद है वो टाइम जब मैं तक हराती थी हैंड पावर में? ऐसा टाइम कभी आया नहीं, कब आया है साले? आएगा, अब तो देखियो, एक साल बाद देखियो। चिमी चिमी, तुझ में क्या कमी थी जो चोमू ने तुझे छोड़ के बीटा को चुन लिया? इतनी सुंदर तो तू है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, फिर क्यों चोमू ने देखो छोड़ा है? पता नहीं ईश्वरी जी, शायद वो गोरी है और मैं काली हूँ। अरे चिमी ऐसी बात नहीं है यार, चोमू भी तो गोरा है, इसलिए शायद उसने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक अच्छा सुंदर सुशील लड़का ढूंढेंगे, ठीक है? मतलब चोमू बॉयफ्रेंड मेरा? नो, आंटी हो आप, चोमू की मासी लगती हो, शर्म करो थोड़ी। पर आपके लिए हम अच्छा लड़का ढूंढेंगे, ठीक है? ये किसने मारा, पिटाई हुई है क्या यहाँ पे, सूजन हुई है? अरे पनीर, आज तो पार्टी है, किस खुशी में? बेचारा कभी कभी पनीर खाता है। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और मुझे पता नहीं क्या दौरा जाएगा, मैं वर्कआउट करने लगी, खाली स्क्वाट्स और पुशअप्स कर रही हूँ। गुड नाइट, बाय। मैं तो पागल हूँ, आप सही रहना। जीतू जी डोला चेक करे, वाह तगड़े हो गया, नजर लग गई। यार चोमू आजकल इतना लोफर हो गया ना, आजकल वो बीटा के चक्करों में है। बताऊं तेरे को मैं, बताऊं तेरे को मैं, चल अंदर, तेरा कितना बेशर्म है। चोमू अंदर चलो, अंदर चलो। नहीं मेरे को बेटा चाहिए। अरे ये दरवाजा किसने खोला यार? चोमू बेटा नहीं मिलेगी आपको, वो आपकी मासी है, चीमी की मासी है ना। देखो चीमी की मासी बेटा है, ठीक है, तो बचपन से चोमू बेटा को मासी बुलाता था, तो अब इसको मासी पसंद आ गई, मतलब भाभी काइंड ऑफ मटेरियल। तो अब मतलब चीमी बेचारी दुखी है क्योंकि चोमू भाभी नहीं देता उसको, तो इट्स वेरी सैड। और ये भी प्यार के चक्रों में है, मतलब सॉलिड इसको प्यार हो चुका है बेटा से अब काफी ज्यादा। चुमू आ जाओ अंदर, अब तो गेट इतना बड़ा टप तो सकता नहीं है तू, चलो अंदर। नहीं मतलब रात के लिटरली 10 बज रहे, 10:30 बज रहे हैं, और इसको लफंडरी करनी है, यहाँ पे खड़ा होकर वेट करता रहेगा बेटा का, वेट करता रहेगा बेटा का। अभी इसकी बताती हूँ मैं इसको, बेटा भी कोई दूध की दूली नहीं है, गेट के उस साइड बैठी रहती है बस चुमू को देख। भाई शर्म कर रही, तू इतनी बूढ़ी है यार, बच्चा है यार ये, इसको नहीं समझ, कम से कम तू तो समझ रख। चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, बदतमीज लोफर। अरे शक्ल में देखो यार, शक्ल में देखो इसकी हैवानगी, शक्ल से टपक रही है। चल अंदर, चल 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 चल। ये गेट इसने कैसे खोला? एक तो गेट इतना लेजेंडरी है ना, इसको
अच्छे से बंद करना पड़ेगा। डन, बहुत लोफर हो गया, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ बैठ के वेट करूंगा। लड़के टाइम देख, अंदर चल। चलो अंदर चलो, सो जाओ, चलो अंदर सो जाओ। दाओ देखियो अपना टाइम खोटे करो, मैं सोने लगी यार। क्या हो जाए? वीडियो बना लूंगा। ये जो बड़ी चींटी है ना, इसको एक छोटी चींटी ने पैर से बुला रो गया। माँ की रेस्ट कर रही है बेचारी, थक गई है ना। बता, रुक जा, वापस बुला रो गया। अरे क्या आईफोन की ना